अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतफ़ रफ़ीक है और आप देख रहे हो एजुकेशन एलिमर जी। आज का टॉपिक है जिस पर मैं बात करूंगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जी। सबसे पहले ईओ दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्टेट स्टेटमेंट, देन हम एक्सप्लेन करेंगे गॉस लॉ को, एक्सप्लेनेशन में हमारे पास आए थे जी, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे एंड ड्रा डायग्राम, और डायग्राम को हम ड्रा करते हैं। सेकंड इज गॉसियन सरफेस ड्रा, Gaussian surface of graph, and third is find electric field for capacitor without medium. Same place dielectric medium. फिर हम इसके बाद फिर हम पहले लिखे थे find E कैपेसिटर विद मीडियम जी। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट लिख दिया हमने गॉस लॉ के एक डाइइलेक्ट्रिक में, गॉसियन लॉ इन डाइइलेक्ट्रिक। इफ स्टेटेड दैट द टोटल electric flux close integral surface integral E dot dA is equal to 1 over k E epsilon naught time enclosed by closed surface G. Explanation first step complete हुआ। अब हम explain
प्रेजेंटेशन में पैरेलल प्लेट पेस्ट को डिस्कस करेंगे और उसके डायग्राम ड्रा करेंगे। जी सबसे पहले मैं ड्रा करता हूं डायग्राम। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट पेस्टर है, ओके। जब हम इसे कनेक्ट करते हैं या इसे पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो ऊपर प्लेट है इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, सो इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और लोअर को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू इन टू द नेगेटिव चार्ज। ओके जी, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हूज Each plate has area A. Each plate का जो area है वो हमारे पास क्या है? A है, okay? जी। And separated by distance D. और ये डिस्टेंस डी के फासले पर पड़ी है, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया था कि मैंने व्हेन कनेक्टेड कैपेसिटर टू आ बैटरी देन अपर प्लेट गेट्स पॉजिटिव चार्ज क्यू एंड लोअर प्लेट गेट्स नेगेटिव चार्ज एज शोन इन फिगर, ओके। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने गॉशियन सरफेस ड्रा करनी। गॉशियन सरफेस हम क्यों ड्रा करते हैं? हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए गॉशियन सरफेस इस्तेमाल करते हैं, ओके जी। Imagine a Gaussian surface which
encloses positive charge on upper layer. जी, उसने कवर कर लिया अपर प्लेट को, ओके, जी, तो अब हमारे पास जस्ट एप्पल कंप्लीट हुआ, गॉसियन सरफेस भी हमने ड्रॉ किया, अब हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लोड करनी है कैपेसिटर के विदाउट मीडियम अभी हमने इसमें कोई मीडियम यूज नहीं किया ओके इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमारे पास ए नॉट है ओके जी द नेट फ्लक्स इज गिवन phi e is equal to closed integral e naught dot d r so here we have our bus d a okay g d a jo hai wo hum इमेजिन कर लेते हैं इधर एक पार्ट में लेते हैं गॉसियन सरफेस में ठीक है और उसको मद्देनजर रखते हुए पहले हम इसका फ्लक्स मूव करते थे उसके बाद हम होल का फ्लक्स मूव करते थे अप्लाई करके इंटायर सो मैंने टोटल फ्लक्स लिख दिया इस होल गॉसियन सरफेस में उसके बाद we know Gauss's law phi e is equal to q over epsilon naught मैंने इसे equation 1 कह दिया इसे equation 2 कह दिया comparing equation 1 and 2 we have rolling pattern e dot da is equal to q over epsilon naught dot product ko kar lete e da cos theta is equal to q over epsilon naught ओके अब ये जो थीटा है ये हम फाइंड आउट करते हैं कि यहां पर क्या है जरा देखिएगा e naught e naught जी देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है और जो हमने एरिया लिख दिया था डी ए उसका जो नॉर्मल है वो भी हमारे पास क्या है डाउनवर्ड है सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल की डायरेक्शन जो है वो सेम है तो एंगल हमारे पास क्या बनेगा इसका जीरो ओके तो वो जीरो प्राप्त होता है वन के एंड क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट जी अब ई नॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट यहां पर जो हमारे पास एरिया है ये बराबर आ जाएगा टोटल वॉशिंग सरफेस का यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास आउट कर रही है ओके तो हमारे पास E naught A is equal to Q over epsilon naught. E naught is equal to आ जाएगी Q over A epsilon naught. Okay? जी.
This is the electric field of a parallel plate capacitor without any medium. Okay? G. But this step is complete. Now, what are you doing? Place dielectric medium. Now, we have to pass the place to a dielectric medium. Okay? जी तो हमारे पास आ जाएगा ये मान लीजिए हमारे पास जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है वो ये है ओके डाइइलेक्ट्रिक मीडियम और इस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है जो इंड्यूस हो जाएगा जब हम इसे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखेंगे ओके जी तो अब हम चलिए मैं दोबारा कर देता हूं वैसे इधर चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप क्या है यहां पर हमारे पास आ जाएगा इससे आगे ये डिवाइस है जी नाउ प्लेस dielectric medium between plates of capacitor. And induced charge Q dash appears on the surface of medium. जी, जब आपने इसे रखा तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है? तो उसको मैंने नाम दे दिया Q dash. यहाँ पर हमारे पास क्या कौन सा चार्ज है नेगेटिव क्यू यहाँ पर भी नेगेटिव क्यू डैश है ओके और यहाँ पर हमारे पास कौन सा चार्ज है पॉजिटिव क्यू ओके जी तो अब हमारे पास यहाँ पर पोलराइजेशन है ओके पोलराइजेशन से मुराद हमारे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की ओके और इन पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अभी अप्लाई नहीं किया इसके दरमियान जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं कोई इधर को जा रहा है कोई इधर को जा रहा है कोई ऊपर को कोई नीचे को ठीक है जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ओके तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो नेगेटिव पोल होगा वो अपवर्ड हो जाएगा और जो पॉजिटिव पोल है वो
डाउनवर्ड मोमेंट क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज. ओके जी. एंड इस तरह भी कह सकते हैं सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जी देखते हैं आप हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगी दी इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस कैपेसिटर पे जिसमें मीडियम है वो बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन. पोलराइज की वजह से जो हमारे पास होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उस कैपेसिटर जिसमें मीडियम हमने नहीं रखा था, उसमें से जब हम माइनस करेंगे इस मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस कैपेसिटर में. ओके जी. तो सेम प्रोसीजर है, आप देखते हैं नेट अदर फ्लक्स इज गिवन ई, हमारे पास अब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ई डॉट डी. ओके हो गई. वी नो गॉसस लॉ, गॉसस लॉ हमें पता है फाई ई, फाई ई क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. अब यहां पर जो क्यू है यहां नेगेटिव क्यू आ गया. ठीक है, तो यहां पर चलते लिख देता हूं एक स्टेप और, चलो मैं दोबारा कर देता हूं ऐसे ऐसे समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश हो सकती है, दोबारा भी अगेन लिख देता हूं जी. तो इमेजिन गॉशियन सरफेस विच इनक्लोजेस पॉजिटिव चार्ज एज फ्री चार्ज एंड Q dash negative charge as induced charge. ये देखिए यहाँ पर उसने जो हमने मीडियम लिया है उससे भी कवर किया हुआ है और जो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है उससे भी उसने कवर किया हुआ है जिसका पॉजिटिव चार्ज है. सो ये रहा हमारे पास. उसके बाद जी अब हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा फाई ए इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए. गॉसस लॉ फाई ए इज इक्वल टू, सो यहां पर हम लिख सकते हैं सम ऑफ चार्ज क्यू प्लस क्यू डैश, सॉरी सम ऑफ चार्ज में ऐसे हमने क्यू हमने इसे और इसे क्या किया सम दिया, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से यहां पर नेगेटिव आ जाएगा. एक्चुअली कर हम समझ रहे हैं लेकिन इसके साथ क्या है नेगेटिव चार्ज है, सो ये नेगेटिव जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव. ओके जी, हमारे पास आ जाएगा क्यू माइनस क्यू डैश और सम ऑफ चार्जेस और गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस. ओके, तो हमारे पास अब चार्ज यहां पर क्या आ जाएगा चार्ज पर यूनिट चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट. ओके फिर वही इसे आप इक्वेशन देख के देखते हैं, इसे इक्वेशन
4 ले लेते हैं जी। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वल साइन। इंटीग्रल a डॉट da इज इक्वल टू q माइनस q डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। डॉट प्रोडक्ट हमने खत्म किया, a da cos थीटा, और थीटा जो है हमारे पास जीरो आता है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल की डायरेक्शन दोनों क्या है डाउनवर्ड है, तो सेम है, इस वजह से हमारे पास जो थीटा आएगा जो एंगल आएगा वो जीरो के बराबर है, क्यू माइनस क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन। ये बात भी बराबर आ गया, ए को मैंने कॉमन ले लिया और इसे मैंने इसके साथ ए ए के साथ लिख दिया क्यू माइनस क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन जी। ये वाला एरिया है हम शो कर रहे हैं टोटल गॉसियन सरफेस में जितना भी हमारे पास एरिया आता है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कर रही है वो हमारे पास इक्वल होगा ए के क्यू माइनस क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। ए इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू माइनस क्यू डैश ओवर ए एप्सिलॉन जी। सेपरेट कर देते हैं क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड with dielectric medium, okay जी। हमारे पास electric field आ गई with dielectric medium जी, इसको मैं equation b के देता हूं और हम find out करके आए थे find एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर विदाउट मीडियम। हमारे पास जो है ई नॉट वो क्या आई थी, इधर मैं लिख देता हूं ई नॉट हमारे पास आई थी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट Q over A epsilon naught G। तो जब हमने इलेक्ट्रिक मीडियम को सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेट्स के दरमियान रखा तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इसमें कमी हो जाएगी क्यों, हमने डाइलेक्ट्रिक यूज किया। देखते हैं मैं समझाता हूं आपको, जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इससे डी इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन सॉरी ई नॉट जिसमें मीडियम नहीं था टू
फार्मूला बाई फैक्टर के ई, और ये के ई फैक्टर आपस क्या है, ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है. सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा ई ओवर के ई. ओके जी, तो हमारे पास यहां पर हम ए की वैल्यू पुट करें, सॉरी हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आएगा. ओके तो कमी तो इसमें हो रही है, सो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और सॉरी ई नॉट आ जाएगा, तो ये हमारे पास ई आ जाएगा. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो पुट कर दी, वो हमारे पास आ जाएगी क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट और साथ में ए ई. इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन बी का नाम दे देता हूँ. ठीक है जी, तो अब हमारे पास आ जाएगी मैं क्या करूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी. वी हैव क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट के ई इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश ओवर ए एप्सिलॉन नॉट. ओके इसे मैं इधर रखता हूं, इसे मैं इधर रखता हूं, हमारे पास आ जाएगा क्यू डैश ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट के ई माइनस क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट. मैंने इसे इधर माइनस आ, ठीक है, तो मैं माइनस को इधर ले लेता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी. अब हमारे पास क्यू डैश ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस इधर मल्टीप्लाई हुआ या नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट के ई. ओके जी हाँ, अब यहां से Q over A एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 ओवर A B Q over A एप्सिलॉन नॉट Q डैश ओवर A एप्सिलॉन नॉट जी. A एप्सिलॉन नॉट के साथ A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, हमारे पास Q डैश जो है वो बराबर आ जाएगा Q इनटू 1 माइनस 1 ओवर के ई. हमारे पास ये वाला जो चार्ज है ये हमारे पास आ जाएगा, इसे हम कहेंगे यहां से हमें पता लग रहा है कि जो इंड्यूस चार्ज है इट शोज दैट इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज लेस देन द फ्री चार्ज. ओके जी, आगे चलते हैं.
हमारे पास अब आ जाती है जी क्लोज इंटीग्रल e डॉट da इज इक्वल टू q माइनस q डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट g. एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर ले आता हूं, एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल e डॉट da is equal to q minus q dash. इसे मैं इक्वेशन c का नाम दे दूं. इस इक्वेशन में हम q dash की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. The value of q dash in equation c g epsilon naught close integral e dot da is equal to q minus 1 minus 1 over a e q g. q multiply kar dete hain na, q minus q minus q over k e. ओके जी, q से q कैंसिल आउट, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा. हमारे पास रिमेनिंग बचा q ओवर k e एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल e डॉट d. ओके, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट के जी. ये हमारे पास हिंज थ्रू द गॉसस लॉ इन डाइइलेक्ट्रिक.